बैक गाइस, मैं और बिलाल आपस में बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने ब्रेक में ना गाना सुना था पूरे का पूरा, क्योंकि यहाँ पे तो सुन के जब मैं एकदम एनर्जी आ गई तो दिल कर रहा था पूरा सुना जाए, लेकिन अभी हम लोगों को सॉन्ग भी साथ साथ सुनने होते हैं। अभी जिमी अथरे का एक सॉन्ग है जो कि मुझे डेडिकेट किया गया, हमारे जो पी सी आर में सारे लोग हैं, सारे के सारे उन लोगों ने मुझे डेडिकेट किया। आई एम श्योर अच्छा होना चाहिए सॉन्ग, अगर अच्छा नहीं होगा तो आप लोगों को पता है मैं फौरन से आ जाऊँगी। एनीवेज गाइस, इसको एंजॉय कीजिए सॉन्ग को, इसके बाद हम लोग वापस आते हैं। अकेली कहीं मत जाना, जमाना नाजुक 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 है। अकेली कहीं मत जाना, जमाना नाजुक है लोगो, जमाना नाजुक है, वरना पड़ेगा पछताना। जमाना नाजुक है लोगो, जमाना नाजुक है, जमाना नाजुक है। अकेली कहीं मत जाना, जमाना नाजुक है लोगो, जमाना नाजुक है। कैसे प्रोग्राम खत्म हो गया बिल्कुल पता ही नहीं चला, अभी हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम है, तो मेरे पास अभी बहुत सारी बातें हैं। मुझे एल्बम का पूछना है सबसे पहला, क्योंकि एल्बम एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एल्बम इंशाल्लाह अभी से तैयारी शुरू है, इस पर 5 से 6 गाने हो भी गए, बस ये कि इंशाल्लाह 3 to 4 months और
आप भी बाकी सिंगर्स की तरह उस राइट टाइम का तो भी नहीं वेट करें, क्योंकि जितने भी लोगों से आजकल बात करो तो सब ये कहते हैं कि वी आर वेटिंग फॉर राइट टाइम। मुझे सजेस्ट किया था सबने, इवन 12 साल के लिए भी, कि आप अभी मत करो लॉन्च। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि राइट टाइम लाना ही पड़ेगा, वो खुद ब खुद तो चल के नहीं आएगा। एग्जैक्टली, तो मैंने सोचा बस आई गेस मतलब हम लोग जिस राइट टाइम का वेट करें, जब तक हम लोग खुद एंटरटेनमेंट की चीजें ज्यादा नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल के लोगों का माइंड डाइवर्ट हो सकता है। आई नो प्रॉब्लम्स आर स्टिल देयर, बट स्टिल थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होता है। लेकिन एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं, आप कंपोज भी करते हैं, तो हाउ कैन अ न्यू सिंगर कम टू यू और कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपसे कि अपना सिंगिंग के लिए? जी जी, बिल्कुल ईजी है। फेसबुक पे मुझे सर्च कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज देयर, सबसे बात करता हूँ जो भी फीडबैक। अगर मेरा फैन पेज ज्वाइन करना है तो बिलाल सईद म्यूजिक, जस्ट राइट देयर, और इनसे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और नए सिंगर्स जो हैं बहुत मजे के गाने भी सुन सकते हैं, बनवा भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बिलाल फॉर कमिंग ओवर हियर, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। अभी बातें एक दो और थी जो आपको पता है मैंने आपसे पूछनी थी, लेकिन वो बाद में पूछूंगी। वेल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ओवर हियर, और थैंक यू सो मच टू ऑल दोज कॉलर्स और ऑल दोज पीपल जिन्होंने मुझे कल रात से कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि बर्थडे का विश कर रहे हैं। इट इज़ रियली नाइस जब पता चलता है कि याद है आपको, और जब सरप्राइज मिलते हैं। कल कुछ फ्रेंड्स ने तो खैर आके बकायदा बड़ा आला किस्म का सरप्राइज मुझे रात के 12 बजे दिया था। आई थैंक ऑल ऑफ यू, और हमारा आज का प्रोग्राम भी बहुत मजे का रहा। जाते जाते आप लोग शफकत अमानत अली का ये सॉन्ग एंजॉय कीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह।